ओके दे नमस्ते और श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांत श्रीया। गाइस फटाफट अपन लोग करने वाले हैं पूरे SFM की थ्योरी। आप लोग इसको 1.5 की स्पीड पे ही सुनना, सो दैट फटाफट आप लोग का हो जाए। सेकेंडली मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, सो दैट एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सो जितना हो सकता है एक लॉजिक बता दूंगा, जो उसमें मेन कीवर्ड्स है वो आपको ध्यान में रखना है वो बता दूंगा, एंड आई थिंक दैट वुड बी सफिशियंट। या तो आज रात को सोने से पहले या फिर बाद में कल व्हेन यू गेट अप, दैट इज व्हेन यू हैव टू सी दिस, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो सुनते रहना इसको आराम से 1.5 की स्पीड पे, सो दैट जो भी वर्ड्स आप लोग के दिमाग में जाते जाएंगे ना, अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी आ गया, ट्रस्ट मी आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर आपको ये डाउनलोड करना है, अगर आपके पास मैजिक बुक है तो वेल एंड गुड, तो फिर टेंशन की बात नहीं है। बट अगर नहीं है देन इन दैट केस ये मैंने स्पेशली खाली थ्योरी को ही यहाँ पे कंबाइन किया है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो एंड जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस एज सून एज यू आर लिसनिंग टू माय लेक्चर्स। मैंने क्या किया है, जितने भी देखो कैसा है पता है क्या, कोई हर एक चैप्टर्स में से थ्योरी तो आ ही सकता है, बट वॉट आई विल डू इज प्रायोरिटी पे मैं सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, स्टार्टअप फाइनेंस, ये जो अपने टिपिकल वाले पांच हार्डकोर जो थ्योरी चैप्टर्स है, पहले मैं इन पांच चैप्टर्स को कवर करूंगा और उसके बाद बाकी के जो चैप्टर्स है, सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से भी एक दो क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, वही मैंने खाली एक दो क्वेश्चन लिया है। ऐसे फॉर एग्जांपल फॉरेक्स है, उसमें वो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर वाला क्वेश्चन आ जाता है। डेरिवेटिव में से कभी कुछ आ जाता है। IRRM IFM में से वो ADR GDR का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे वो वाले क्वेश्चन भी मैं कवर करूंगा। तो प्रायोरिटी पे पहले मैं ये पांच कवर कर लेता हूँ, प्लस वॉट आई विल डू इज आई विल गिव यू स्टैम्प टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप वो टाइम स्टैम्प से भी कर सकते हो। एंड अगर आपको टाइम स्टैम्प्स कुछ डालने हैं विच इज बेनिफिशियल टू अदर्स, थैंक यू सो मच, विल बी वेरी रियली बेनिफिशियल। तो एक एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से सिक्योरिटाइजेशन, तो पहले मैं सिक्योरिटाइजेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। उसमें से 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क आया था, एंड स्पेशली जब May 23 जैसा पेपर आता है जहां पे यू नो द क्वेश्चंस आर अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड या अपने से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या पेपर लेंदी है, दैट इज द टाइम व्हेन दिस थ्योरी इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। सो मैं पहले सिक्योरिटाइजेशन करवा देता हूँ, फिर स्टार्टअप फाइनेंस है, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये फ्लो में मैं फिलहाल जाने का सोच रहा हूँ। एंड एज सून एज आई एम डन विद दिस, फिर बाद में बाकी के चैप्टर्स का भी करवा दूंगा। आपको जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है, टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से जब जब जो जो होते जा रहा है उतना करके जाना, जितना भी आप लोग ज्ञान ले पाए आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग। एंड इसमें से अगर कुछ आ गया आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर यू। तो चलो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन पे, चलते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, एंड थ्रू दैट वी विल स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ द थ्योरी रिलेटिंग टू SFM। लेट्स बिगिन। चलो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब समझाता हूं 2 मिनट में, और फिर बाद में पूरा अपन लोग थियोरी कर लेंगे। देखो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सपोज मैं एक बैंक हूं, बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देता है। अब से फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया होम लोन, किसी को दिया ऑटोमोबाइल लोन, किसी और को मैंने दिया से पर्सनल लोन। अब ये सब जब भी मैं लोन देता हूं ना, मैं लेता हूं सामने एक मॉर्गेज, ठीक है। तो मैंने कभी किसी का प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे ले लिया, मैंने इसे फॉर एग्जाम्पल किसी का कार मॉर्गेज पे ले लिया। मॉर्गेज पे मिलता है मेरे को ये सारे पेपर, तो कोई मेरे को अपना घर का पेपर दे देगा, कोई मेरे को अपना कार का पेपर दे देगा, कोई मेरे को अपना कोई ऑर्नामेंट का पेपर दे देगा। अब ऐसे करके मेरे पास सारे पेपर्स पड़े हैं, मैंने 100 करोड़ का लोन दे दिया है और 100 करोड़ के ऐसे मेरे पास पेपर्स पड़े। अब मैं इनका क्या करूं, तो मेरे पास तो ये पड़े इसका कोई काम नहीं है मेरे लिए, दिस इज कॉल्ड एज इनलिक्विड एसेट। तो अब मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, क्यों ना इसको मैं मार्केटेबल कर दूं। तो इन सबको कंबाइन करके मैं एक सिक्योरिटी क्रिएट करूंगा। सिक्योरिटी क्रिएट करके मतलब इट इज लाइक अ बॉन्ड, डिबेंचर या ऐसा कोई शेयर मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना, अनदर पीस ऑफ पेपर यूजिंग दिस एज अ कोलैटरल। तो अब मैं एक सिक्योरिटी क्रिएट करके मार्केट में जाके इन्वेस्टर को दूंगा जिसको पैसा कमाना है। तो अभी सपोज फॉर कोई एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर है जो बोलता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और मेरे को इंटरेस्ट अर्न करना है, मैं उसको बोलता हूँ ये तेको तेरे लिए मैंने एक सिक्योरिटी बनाई है, तू मुझे 10 लाख दे। अब अगर उसने मुझे 10 लाख दिए तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा। मैं क्या करूंगा, मेरे को ये जो लोन दिया हुआ है उनसे जैसे ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आएगा मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, बट इस चीज में मेरे पास एडिशनल पैसा आ गया।
इसके लिए इसको प्यार से ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि कन्वर्टिंग द इललिक्विड एसेट्स इनटू लिक्विड एसेट्स। समझ में आया तुम लोगों को? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द होल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। और अब जब मैं आप लोगों को इसको थ्योरी के फॉर्म में बताऊंगा ना, फटाफट एकदम तुम लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। बस ये वाला जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया उसको ध्यान में रखना, वी विल बी वेरी क्विक। प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स क्या? क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। कहां से? ये सब वर्ड्स याद रख के आना, फ्रॉम इनलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। ये सब इनलिक्विड फाइनेंशियल एसेट है, खाली पीस ऑफ पेपर है ना अभी तो मेरे लिए, सच एज रिसीवेबल्स, लोन्स विच आर मार्केटेबल। इन अदर वर्ड्स, प्रोसेस ऑफ रीपैकेजिंग और रीबंडलिंग ऑफ इनलिक्विड एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसको उसमें बना दूंगा। दीज एसेट्स कैन बी ऑटोमोबाइल लोन्स, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। अब मेन क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ सकता है फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो ये सिक्योरिटाइजेशन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी इन्वेस्टर को बेच रहा हूं, वो मेरे को पैसा दे रहा है। सबसे पहला काम क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरा बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। अभी मैंने क्या किया पता है क्या, यहाँ पे जितने भी मेरे पेपर्स थे उन सबको मैंने अनबंडल करके एक अलग सिक्योरिटी बना दिया। तो यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास से मेरे पास ऑटोमोबाइल का लोन आया हुआ है, ठीक है, ये 5 लाख का लोन है। किसी ने मेरे से 3 लाख का पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा, यूज करके 8 लाख का एक नया सिक्योरिटी बना दूंगा। तो एसेट्स कंबाइंड इन वन पूल, बंडलिंग, ब्रोकन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स डिनोमिनेशन, अनबंडलिंग, रिस्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास जो रिस्क था वो मैंने काइंड ऑफ लिक्विडेट कर लिया, तो मेरा रिस्क शिफ्ट हो गया है। सो इट इज ऑल्सो यूज एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। कैन आई से इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस? एब्सोल्युटली। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेड एज पर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। अब जिसको जैसा रिस्क लेके काम करना है, पर्सनल लोन जो होता है ना उसमें ज्यादा रिस्क होता है बट उसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको ज्यादा रिस्क पे ज्यादा रिटर्न चाहिए, उसको मैं पर्सनल वाला अनबंडलिंग करके बंडल करके दे दूंगा। समझ में आया? सो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस बेस्ड ऑन योर ओन रिस्क एपेटाइट। फिर होता है ट्रेंचिंग, डिफरेंट डिफरेंट रिसीवेबल स्प्लिट इनटू वेरियस पार्ट्स। ऑटोमोबाइल का एक पूरा आप बंच बना सकते हो, एक होम लोन का बंच बना सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। होमोजेनिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर वाले जो भी है, जैसा मैंने बोला सिमिलर सिमिलर जो भी आप लोग के यू कैन से लोन्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सो सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर ग्रुप टुगेदर टू हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर्स। सो लॉजिकली अभी सोच के बताओ क्या क्या आंसर में आएगा। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बंडलिंग अनबंडलिंग कर लेंगे, एक किसी को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ये वो दे देंगे, ट्रेंचिंग, होमोजेनिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है। मैंने अपना रिस्क को मैनेज करके कैश जनरेट कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। फिर बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, देखो कंपनी के लिए फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन होता है? ओरिजिनेटर मतलब मेन जो कंपनी, सपोज मैं HDFC बैंक हूं, मैंने 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है। अब ये 100 करोड़ के लोन को, ये जो भी पेपर्स है उसको मैं इलिक्विड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, आई एम द ओरिजिनेटर। जिसको मैं ये सिक्योरिटी, ये जो लोन का था उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके जिसको बेच रहा हूं, ही इज कॉल्ड एज द इन्वेस्टर। तो क्या हो गया बेसिकली मेरे लिए, कहने से ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गया। इससे इंप्रूव्स लिक्विडिटी पोजीशन, पैसा आ गया मेरे पास विदाउट डूइंग एनीथिंग। स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, ऑलवेज फोकस ऑन कोर बिजनेस। अभी बाकी जो मेरा काम है वो मेरा मेन बिजनेस चल रहा है, ये मैंने साइड पे एक नया लिक्विड एसेट क्रिएट कर दिया। फाइनेंशियल रेशियोज मेरा इंप्रूव हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट मेरा स्प्रेड हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे यहां से रिटर्न आया लोन के ऊपर वो मेरे को आगे ट्रांसफर करना है, सो टेंशन नहीं है। नाउ देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे ऑल्सो अर्न ऑन अकाउंट ऑफ स्प्रेड। सो ओरिजिनेटर के लिए क्या बेनिफिट हो गया, ओरिजिनेटर मतलब HDFC बैंक, भाई मेरे को लिक्विडिटी मिल गया तो उससे मेरा फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हो गया, मेरा बोरोइंग कॉस्ट इससे रिड्यूस हो सकता है, मेरा स्प्रेड से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मिल गया, बराबर है ना। मेरे को कहीं पे बुक्स पे भी लाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है पता है कि HDFC बैंक एक SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करता है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल फिर बाद में ये पूरा का पूरा काम करता है। सो मेरे लिए HDFC बैंक का ही SPV बनता है, बट मेरे लिए HDFC बैंक के मेन बैलेंस शीट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड HDFC बैंक अपना मेन काम कर सकता है क्योंकि SPV इज गोइंग टू नाउ टेक ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ओरिजिनेटर के लिए ये फायदा है, इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा है, उसको भाई दो पैसा मिल गया तो उसको क्या मिल जाएगा बेनिफिट के, ही कैन परचेज ऑफ एसेट बैक सिक्योरिटीज। अभी देखो यहां पे जिसका जो रिक्वायरमेंट है
उस हिसाब से फाइनेंस को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेड एज पर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। आई होप समझ में आ गया होगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो अभी क्या होता है पता है क्या, ये सब जो भी सिक्योरिटीज बनती है ना, ये इंश्योरेंस इनके ऊपर कवर लिया जाता है। सो यू हैव प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिफॉल्ट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आपके पास, कोई डिफॉल्ट होने का प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आप वॉट द सिक्योरिटी जो बना है वो बैक्ड है बेस्ड ऑन ऑटोमोबाइल्स मॉर्गेजेस। सो यू आर सिक्योर्ड। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर थ्रू। सो एसपीवी जो एक फॉर्म होता है, बस उसी के थ्रू ये पूरा काम होता है। सो रेगुलेटरी लीगली यू आर सिक्योर्ड, डिफॉल्ट से यू आर सिक्योर, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क आपका मैनेज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट द बेनिफिट द इन्वेस्टर गेट्स। फिर बाद में आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अभी सिस्टम क्या है, पहले पूल ऑफ एसेट्स, ये तो जो मैं आपको समझा चुका हूँ, खाली अभी मैं रीड कर रहा हूँ, बता देता हूँ आपको कि मेन मेन वर्ड्स क्या क्या है। तो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स मेरा बन गया है अभी, ठीक है ना, ये एसेट से एक सिक्योरिटी बन गया। ट्रांसफर टू एसपीवी, एचडीएफसी मेन बैंक कुछ नहीं करेगा, एसपीवी बनेगा। एसपीवी वो सब पूरा पूरा काम करेगा। एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक एंटिटी बेसिकली, उसको नाम दिया एसपीवी, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स। तो अब मेरे पास जो ये पेपर्स थे वो मैं एसपीवी को दे रहा हूँ, मेरी कंपनी का एसपीवी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स, वो एसपीवी उसको भी एडमिनिस्ट्रेट करेगी। रिकोर्स टू ओरिजिनल ओरिजिनेटर, सो अब यहाँ पे जो ओरिजिनेटर है वो एसपीवी को जब ट्रांसफर करता है ना, तो एक लिखवा के लेता है कि भाई अगर कुछ भी हुआ देन इन दैट केस आई विल हैव द रिकोर्स, यानी वो मेरे पास रिट्रांसफरेबल है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आपको सेल हो गए हैं। रीपेमेंट ऑफ फंड्स के लिए काम आएगा, जैसे ही मेरे पास पैसा आया, ओरिजिनेटर के पास पैसा आया, वो आगे पैसा दे देगा भाई। क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर द सेल ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ही नहीं है कोई भी मुंह उठा के आप बेच सकते हो, इसका क्रेडिट रेटिंग होगा। ये जो बैक्ड एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज है, इसका सिक्योरिटी बनेगा, इसके ऊपर आपका क्रेडिट रेटिंग होगा, फिर इन्वेस्टर को सेल किया जाएगा। इसीलिए बोला था इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिफॉल्ट है। क्लियर एवरीबॉडी? रीपेमेंट ऑफ फंड्स, एसपीवी विल रीपे द फंड्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दैट अराइजेस फ्रॉम द एसेट्स पूल। सो आई थिंक दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। सो इसमें से आपको चार पांच पॉइंट याद रखने, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, बंडलिंग अनबंडलिंग वाला लिख दो, ट्रांसफर टू एसपीवी, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर के पास रहता है, आप ओरिजिनेटर सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स एसपीवी को कर रहा है, एसपीवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है एसेट का, क्रेडिट रेटिंग होता है हर एक चीज का। इसमें पार्टिसिपेंट कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 बार आ चुका है एग्जाम में, सो प्लीज पे अटेंशन। पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन, इसमें सबसे बड़ा मेन पार्टी होता है प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स, वन ओरिजिनेटर जो मैं आप लोग को समझा चुका हूं, दूसरा है एसपीवी जो मैं आप लोग को समझा चुका हूं, एंड तीसरा है इन्वेस्टर। ये तीनों चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। सो कौन होता है ओरिजिनेटर, इनिशिएटर ऑफ द डील, इसको ये वर्ड यूज करेंगे आप लोग, इनिशिएटर ऑफ द डील, जिसके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। इट इज एन एंटिटी विच सेल्स द एसेट्स लाइंग इन इट्स बुक एंड रिसीवेबल्स, द फंड जनरेटेड थ्रू सेल ऑफ सच एसेट्स। गॉट इट गाइस? डन। फिर बाद में स्पेशल पर्पज व्हीकल क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस होल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। इन्वेस्टर्स आर द बायर्स ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स, ये म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब लोग होते हैं। और फिर बाद में आ जाते हैं इसके अंदर सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स, देर आर इन ऑल 6 सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स, आओ इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो द 6 पार्टिसिपेंट्स आर एजेंट, रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट एनहेंसर, ऑब्लाइजर्स, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, स्ट्रक्चरर। सबका मतलब मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से लिख लेना। एजेंट या ट्रस्टी मतलब बीच में कोई भी, अगर आप लोग कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश करते हो ना, देर इज ऑलवेज अ ट्रस्टी। जैसे म्यूचुअल फंड भी एस्टैब्लिश करते हो तो एक ट्रस्टी होता है, यहाँ पे एक एसपीवी एस्टैब्लिश हो रहा है, तो एसपीवी को एस्टैब्लिश करना है आपको, तो बीच में एचडीएफसी बैंक और एसपीवी को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्टी होता है जो इंश्योर करता है कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दे आर ऑल इन द ट्रू स्पिरिट एंड ट्रांसपेरेंट। फिर बाद में आता है रेटिंग एजेंसी। अभी देखो ये जो भी मेरे लोन के डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक सिक्योरिटी में, बराबर है, और वो सिक्योरिटी इन्वेस्टर को बेच रहा हूं। इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं ले लेगा, इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई चलो इसका क्रेडिट रेटिंग करा के आओ। तो ये जो कंपनीज है क्रेडिट सूस और यहाँ पे और मेरी कंपनी है, नाम भूल रहा हूं मैं, बट ठीक है। सो ये सारी कंपनीज क्या करती है, मूडीज है, ये सब कंपनीज इसका क्रेडिट रेटिंग करवाती है। आपको वो नाम याद आ जाए जो बॉम्बे में पवई में कंपनी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे जॉब कर रहे हैं सीए बनने के बाद, तो प्लीज कमेंट में बता देना, आई विल बी हैप्पी। सो रेटिंग एजेंसीज है वो भी आपको यहाँ पे चाहिए। थर्ड होते हैं ऑब्लाइजर्स। ऑब्लाइजर्स कौन है पता है क्या, एचडीएफसी बैंक ने जिनको लोन दिया हुआ है ना, अपने भाई बाप है भाई, ऑब्लाइजर, तो ऑब्लाइजर से पैसा आएगा, वही अपने को आगे इन्वेस्टर को चुकाना है। सो ऑब्लाइजर्स आर
दोज पीपल जिसने मेन लोन लिया हुआ है। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट कौन है? मैं अभी से फॉर एग्जांपल ओरिजिनेटर हूं, तो ऑब्लाइजर ओरिजिनेटर को पेमेंट करेगा, ओरिजिनेटर एसपीवी को ट्रांसफर करेगा, एसपीवी इन्वेस्टर को देगा जिसने इन्वेस्ट किया था। ये कौन करने वाला है पूरा काम? रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। फिर बाद में होता है क्रेडिट एनहेंसर, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक क्रेडिट आपको दे देगा, एंड देन फिर बाद में देयर विल बी अ क्रेडिट एनहेंसर जो और क्लैरिटी के साथ बताएगा दैट यस एवरीथिंग इज इन प्लेस। एंड लास्ट इज द स्ट्रक्चरर व्यूज द इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये सब इन्वेस्टर को लाने का काम कौन करने वाला है? क्रेडिट एजेंसी को लाने का काम कौन करने वाला है? इसको बंडलिंग एंड अनबंडलिंग का काम कौन करने वाला है? ये सब लोग को जो मैनेज करने की मेन कड़ी होती है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द इन्वेस्टमेंट बैंकर हु इज द स्ट्रक्चरर ऑल्सो अ सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। सो कौन कौन हो गया यहाँ पे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई, क्रेडिट एनहेंसर हो गया, ऑब्लाइजर हो गया जिसको अपन ने लोन दिया हुआ है, ट्रस्टी एसपीवी और एक बैंक के बीच में ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रस्टी करेगा, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट हो गया, एंड स्ट्रक्चरर या जिसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया। अभी क्लियर? ये छह चीजें याद रहेगी, डन। फिर बाद में आ जाते हैं प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। सबसे पहले तो इंडिया का यार टैक्सेशन और स्टैम्प ड्यूटी रूल्स ही क्लियर नहीं है। तो अभी से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और वो जो एसपीवी है ऑलमोस्ट सिमिलर एंटिटी है, बट अभी सपोज हम लोग दोनों में लोन का ट्रांजेक्शन हुआ उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरो। फिर बाद में वो बैंक और एसपीवी का कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरो, तो डबल डबल स्टैम्प ड्यूटीज हो रहा है। स्टैम्प ड्यूटी गोज अप टू इवन 12% इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट थिंग, सो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, विच इम्पेडेड द ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। फिर बाद में आता है टैक्सेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी इन टैक्सेशन। समझ में ही नहीं आएगा आपको कि एसपीवी को टैक्स कैसे करना है, हमारी मेन कंपनी को टैक्स कैसे करना है, जाके पूछ के आओ अपने टैक्स के प्रोफेसर को, पता है उसको टैक्सेशन कैसे होता है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स ही, इनकम टैक्स एक्ट ही शायद उस चीजों को लेके क्लियर नहीं है। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है आगे जाके जो अपने को क्रिएट इशू हो सकता है। इन एडिक्वेट डेट मार्केट, इंडिया का डेट मार्केट सबसे कम इवॉल्व है। अमेरिका का डेट मार्केट इज टाइम्स बिगर देन इक्विटी मार्केट ऑफ अमेरिका, इंडिया में डेट मार्केट इतना बड़ा है ही नहीं, तो उसकी वजह से ये सब पूरा प्रोसेस इन्वेस्टर ढूंढना इन्वेस्टर मिलना कैन बिकम अ इशू। अकाउंटिंग बिकॉज इतना डेवलप्ड नहीं है डेट मार्केट, दैट इज द रीजन अकाउंटिंग के नॉर्म्स अपने को पता नहीं है प्रॉपरली। इन इफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, फोरक्लोजर का मतलब होता है कि अगर सपोज फटाफट मेरे को किसी को लोन रिपे करना है तो उस केस में लॉज कैसे मैनेज हो गए। एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एवरी ओरिजिनेटर फॉलोज ओन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है जिसकी वजह से सिक्योरिटाइजेशन कैन बिकम अ प्रॉब्लम। तो छह पॉइंट आपको क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो स्टैम्प ड्यूटी क्लैरिटी नहीं है, समटाइम्स 12% समटाइम्स डबल, टैक्सेशन क्लैरिटी नहीं है, अकाउंटिंग क्लैरिटी नहीं है, तो ये तीन तो तुम्हारे सब्जेक्ट में ही आ गए। फिर इनएडिक्वेट डेट मार्केट, इंडिया का बहुत ही थकेला है ही नहीं अच्छा, इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, एंड लास्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये इसमें से छह में से चार पांच पॉइंट भी याद रह गए, यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज इट। फिर बाद में आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम ओरिजिनेटर्स एंगल एंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंगल। सो यहाँ पे ये दो एंगल का बताया है आप। देखो ओरिजिनेटर को इंश्योर करना है कि भाई उसके पास जो ऑब्लाइजर से इंटरेस्ट आने वाला है उतना वो इंटरेस्ट मैक्सिमम दे सकता है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर बोलेगा भाई मुझे उतना इंटरेस्ट चाहिए या इतना मेरे को रिटर्न चाहिए जितना मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है ऑन दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बस उसी हिसाब दोनों का प्राइसिंग होता है, नथिंग ग्रेट। एंड लास्ट है मेरा सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स। सो तीन तरह के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द एग्जामिनेशन आ सकता है। सो सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स में तीन तरह के होते हैं, एक होता है पीटीसी पास थ्रू सर्टिफिकेट, पीटीएस पास थ्रू सिक्योरिटी पे थ्रू सिक्योरिटी। सबसे पहले पास थ्रू सिक्योरिटी क्या होता है? पास थ्रू सर्टिफिकेट, पास थ्रू सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सर्टिफिकेट जहां पे देखो एसेट्स तो अभी अपने पास जो भी है ये सब एसेट्स है, ये अपन लोग ने ट्रांसफर कर दिया है, किसको? एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। ध्यान से सुनना, अभी जो एसपीवी है ना दैट विल जनरेट ऑल द कैश थ्रू इंटरेस्ट एंड से सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। सो अभी जो भी पैसा आने वाला है ना ऑब्लाइजर की तरफ से वो सारा का सारा एसपीवी के पास आएगा। अब एसपीवी के हाथ में है दो ऑप्शन होता है, एक वो पूरा का पूरा पैसा अपने इन्वेस्टर को दे दे या फिर proportionately it will give. So यहाँ पे बोला है investors pass through certificate में क्या बोला है? Investors get proportional benefit based on their holding. So जितना भी पैसा है divide कर दो, जितने भी अपने पास investors है उनको proportionate basis पे transfer कर दो।
पेत्रू सिक्योरिटीज में क्या होता है, ये लोग शाणे हैं, एसपीवी लोग क्या करते हैं, ये लोग दे विल पे ओनली हाउ मच अमाउंट इज ड्यू, बाकी का वो लोग अपने पास रख लेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया 10 करोड़ का इंटरेस्ट, पर मेरा इन्वेस्टर को ड्यू है 8 करोड़ ही, तो मैं खाली 8 करोड़ का ही इंटरेस्ट दूंगा, 2 करोड़ अपने पास रखूंगा और ये 2 करोड़ को री इन्वेस्ट करके और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाऊंगा। दैट इज कॉल्ड एज पे थ्रू सिक्योरिटी, पीटीएस। बट पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है, पास थ्रू आया इधर से पैसा इन्वेस्टर को प्रोपोर्शनेटली बांट दिया, आया पैसा पास थ्रू पूरा इन्वेस्टर को प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। पे थ्रू में क्या आता है, आया देखो कितना ड्यू है, जितना ड्यू है उतना दो, जितना बच गया उतना सरप्लस इन्वेस्ट करो। समझ में आया? सो ऐसे चल बाय एसपीवी, ठीक है। रीस्ट्रक्चर्ड इन डिफरेंट ट्रांचेस बेस्ड ऑन वेरिंग मैच्योरिटीज ऑफ रिसीवेबल्स, कैश इज जनरेटेड थ्रू इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ एसेट इज नॉट पास्ड थ्रू डायरेक्टली बट डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे? पे टू इन्वेस्टर ओनली व्हेन इनकम बिकम्स वन नहीं, व्हेन इनकम बिकम्स ड्यू एंड सरप्लस कैश इन्वेस्ट इन यील्ड जनरेटिंग एसेट। समझे? वो होता है पीटीएस, पे थ्रू सिक्योरिटी एंड पास थ्रू सर्टिफिकेट। एंड लास्ट है स्ट्रिप सिक्योरिटीज। स्ट्रिप सिक्योरिटीज में दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ओनली, एक होता है प्रिंसिपल ओनली। जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ओनली को कम इंटरेस्ट मिलेगा, जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट ओनली को मोर इंटरेस्ट मिलेगा, जब मार्केट रेट फॉल होता है तो यूजुअली पीपल ट्राई टू रीपे व्हाट एवर लोन दे हैव। तो सपोज कोई इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी वाला रहेगा तो उसको, सपोज मैं इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैंने ये सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में इन्वेस्ट किया है और मैंने इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी लिया है तो मेरे को इंटरेस्ट मिलते जाएगा, जब मार्केट रेट फॉल होता है कम इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट रेट बढ़ता है ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ होता है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी, तो वहां पे सीधा मैंने प्रिंसिपल दिया है, मेरे को प्रिंसिपल रीपेमेंट ही होगा, एक्स्ट्रा लमसम के बेसिस पे मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल ओनली वाले होते हैं, तो से फॉर एग्जांपल जिस ऑब्लाइजर जिसके पास लोन है, अगर मार्केट रेट फॉल हुआ और उसको प्रिंसिपल रीपे करना है, तो अगर उसने प्रिंसिपल ज्यादा रीपे किया देन इन दैट केस जो प्रिंसिपल ओनली है उसको प्रिंसिपल ज्यादा मिल जाएगा। एंड अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया एंड उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, देन इन दैट केस इट विल बी अ सिचुएशन जहां पे वो प्रिंसिपल को ज्यादा रीपे नहीं करेगा तो प्रिंसिपल ओनली वाले को कम पैसा मिलेगा। सो होल्डर्स ऑफ पीओ रिसीव्स ओनली प्रिंसिपल, पीओ मतलब प्रिंसिपल ओनली, बोरोवर्स रीपे एंड गेट मोर रिडेम्पशन ऑफ द प्रिंसिपल एट टाइम्स व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉल्स, व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बोरोवर्स पोस्टपोन रीपेमेंट एंड पीओ होल्डर्स गेट लेस रिडेम्पशन ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ गया? और इसी के साथ गाइस विद इन अ स्पैन ऑफ 16 मिनट्स ये पूरा का पूरा चैप्टर आई होप आप लोग के दिमाग में सेट हो गया होगा। सो ये अब मेरा, मैं इंडेक्स में देखता हूं तो मेरा सिक्योरिटाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज चैप्टर 14 स्टार्टअप फाइनेंस, क्योंकि उसमें से भी काफी बार काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, अपन सब लोग ने शार्क टैंक इंडिया में देख ही लिया है। सो कोई भी कंपनी है जिसके पास एक बहुत बड़ा आइडिया है, लाइक जोमेटो और स्विगी और उबर और ओला ओला, और अगर उनको एक्सपांड करना है देन इन दैट केस दे विल नीड फाइनेंस। सो इनिशियली आप फाइनेंस कैसे लेते हो टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, एक पर्सनल फाइनेंसिंग, भाई जो मेरे पास जमा पूंजी है उसको मैं यूज कर लूंगा, पर्सनल क्रेडिट लाइन, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है उनको मैं बोल सकता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स है या और कोई मेरे कनेक्शंस वाले उनको बोल सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल क्रेडिट लाइन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर इन स्टार्टअप्स। वो बीएनआई सुने तुम लोग ने, बिजनेस नेटवर्क ऑफ इंडिया, ये पीयर टू पीयर लेंडिंग है ना, थोड़ा उसके जैसा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, से 10 लोग है, ठीक है, आज मेरे को फंडिंग की जरूरत है तो वो 10 में वो 9 लोग मेरे को पैसा दे देंगे, ठीक है, कल मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, हो सकता है दूसरे किसी को जरूरत पड़े, अब मेरे पास पैसा आ गया मैं किसी और को दूंगा, फिर वो यूज करेगा वैसे ही। सो दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग। फिर होता है क्राउड फंडिंग, तुम लोग ने ये देखा milab.org और ये सब, तो उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। मतलब से फॉर एग्जाम्पल यूजुअली आज की तारीख में क्राउड फंडिंग यूज होता है इन केसेस वेयर सपोज कोई किसी को बहुत बड़ा एलमेंट हो गया है या मेडिकल इश्यू है एंड उसको पैसा चाहिए, हर किसी के पास, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी को इशू हो गया मेडिकल इशू से लाखों रुपए चाहिए, हर किसी के पास वो नहीं होता है। इन सच सिचुएशन व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क द क्राउड कि भाई आप अगर मेरे को 100 रुपया भी, 100 रुपया अगर 10,000 लोग दे तो भी इट विल बिकम अ बिग अमाउंट एंड वो मेरे लिए काम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। माइक्रो लोन्स है, छोटे छोटे लेवल पे ऊपर आप लोगों को स्मॉल लोन्स मिलते हैं,
दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग से आप जहां से परचेज कर रहे हैं उसी को आप बोल देंगे कि भाई मेरे को 6 महीना तक मेरे से पैसा मत ले, 6 महीने में ना मैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना दूंगा, फिनिश गुड से बेच दूंगा, जैसे ही सेल्स आएगा तेरे को तेरा पैसा दे दूंगा। इनडायरेक्टली वेंडर ने अपने को फाइनेंस कर दिया है, परचेज ऑर्डर फाइनेंस। अभी क्या होता है कई बार से, फॉर एग्जाम्पल मेरे को रिलायंस से एक परचेज ऑर्डर आया, उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे मैं फाइनेंस जनरेट कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज परचेज ऑर्डर फाइनेंस। ठीक है, सो कई बार कई कंपनीज आपको परचेज ऑर्डर दे देती है, अच्छा खासा आपके पास ऑर्डर है बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो फंड चाहिए, तो वो परचेज ऑर्डर लेकर आप बैंक के पास जाओ, बैंक आपको बोल देगी हाँ भाई चलो परचेज ऑर्डर आ गया, मतलब ये अभी यहां से काम अच्छा होने वाला है, इसका ग्रो करेगा, अपने को पैसा दे देगा। एंड देन फिर बाद में आता है फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स, तो जो भी मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल है मैं किसी फैक्टरिंग पर्सन को दे दूंगा, वो मेरे को से 100 रुपए का चीज है, 100 रुपए का चीज उसको मैं दे दूंगा, मेरे को सामने वो 95 देगा, 5 रुपया उसका कमीशन, बाकी वो 95 रुपीज अपने हिसाब से वसूलता रहेगा। फैसिलिटी गिवन टू सेलर हु हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट टू फंड हिज रिसीवेबल्स टिल द अमाउंट इज फुल्ली रिसीव्ड। सो ये देखो वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, पर्सनल फाइनेंसिंग तो है, पर्सनल क्रेडिट लाइन तो है, फैमिली फ्रेंड्स तो है, पीयर टू पीयर जैसे बोला, बिजनेस नेटवर्क ऑफ इंडिया जैसे क्राउड फंडिंग, माइक्रो लोन्स हो गया, वेंडर फाइनेंसिंग हो गया, फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, सो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो एग्जाम में। देन आता है पिच प्रेजेंटेशन, पिच प्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट वी सॉ इन द शार्क टैंक इंडिया। पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि मैं हूं संकल्प, IIT, IIM अहमदाबाद एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरे पास एक 10 जन की टीम है हु आर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक इन द वर्क। अब हम लोग ने एक देखा कि प्रॉब्लम है, हम लोग ने देखा कि यार SFM में थ्योरी कोई नहीं पढ़ा रहे, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम का सलूशन लाया जाए, इस सलूशन के लिए मुझे चाहिए 10 करोड़ रुपए, क्या आप मुझे 10 करोड़ देंगे, कमेंट में जरूर लिख के बताइए मेरे लेक्चर के बेसिस पे, आई होप आप देंगे मुझे। मार्केटिंग एंड सेल्स हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो हम YouTube पे हमारे लेक्चर्स फ्री में दे रहे हैं जिससे हमारा मार्केटिंग हो और हमारे ये स्टूडेंट आगे जाके किसी और को बोलेंगे तो उससे हमारा सेल्स भी बढ़ेगा। ओके, सो दैट इज हाउ द पिच प्रेजेंटेशन इज। तो आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने टीम के बारे में बताना है, आपको बताना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका आप क्या सोल्यूशन लाए हो, मार्केटिंग सेल्स कैसे कर रहे हो, आपके प्रोजेक्शन क्या है, तो हम चाहते हैं कि हम 20 करोड़ का रेवेन्यू ARR एग्रीगेट रेवेन्यू टच करें इन द कमिंग ईयर, कैश फ्लोज कितना कैसा है आप लोगों का, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बैलेंस शीट कितना स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स दैट यू हैव, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन्स। कॉम्पिटिटर्स कौन है आप लोगों के, आए मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, चल फिर मैं ही अपना खुद का कॉम्पिटिटर हूँ। सो कॉम्पिटिटर्स कौन है आपके, आपका बिजनेस मॉडल क्या है बेसिकली, सो हम लेक्चर्स लेते हैं, आप लोगों ने मेरा शार्क टैंक इंडिया का वो देखा है कि नहीं, जरूर देखना मेरे इंस्टा पे। एंड देन देयर इज फाइनेंसिंग, फाइनली अगर उनको ये सब चीजें सही लगी तो बोल देंगे कि ठीक है हम आपको 10 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, आप बॉम्बे आ सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब पिच प्रेजेंटेशन में किन चीजों का ध्यान रखना है, खुद का इंट्रोडक्शन, टीम कैसा है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या ढूंढ रहे हो, मार्केटिंग एंड सेल्स पे कैसे स्पेंड कर रहे हो, प्रोजेक्शन क्या है आपके इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो ये जो आपकी मेन तीन चीजें हैं इसमें वेर आर यू स्टैंडिंग, कितना टर्नओवर हो रहा है, लास्ट ईयर कितना था, कैश फ्लोज क्या है, बैलेंस शीट कितना स्ट्रॉन्ग है, एसेट्स कितने हैं आपके पास, कॉम्पिटिटर्स कौन है, बिजनेस मॉडल क्या है, फिर उस बेसिस पे डिसाइड होगा फाइनेंसिंग कैसा करना है। मॉडल्स फॉर फाइनेंसिंग ऑफ अ स्टार्टअप, कुछ लोग उसमें है ना बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर से पैसा जमा करते हैं, कुछ वेंचर कैपिटल से जमा करते हैं। देखो कोई भी बिजनेस पहले स्टार्ट तो बूटस्ट्रैपिंग से होती है, बूटस्ट्रैपिंग मतलब खुद का जो भी पैसा है, ब्रिक एंड मोर्टार भी बोलते हैं उसको, खुद का पैसा इन्वेस्ट करना इन द मार्केट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग। ये देखना फंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसिंग, खुद का पैसा, और फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी, तो और कुछ जो भी मेरे पास पैसा मैंने सेल करके कमाया उसी को मैं रीइन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट बाय स्टार्टअप फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स लीड टू कंटिन्यूअस अप्रोच, कर्व्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड एनेबल्स प्रमोटर्स टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग। अब ये बूटस्ट्रैपिंग के लिए ना तीन मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेड क्रेडिट, एक होता है फैक्टरिंग और एक होता है लीजिंग। सो सबसे पहले आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब कि भाई अगर मैंने कोई से सप्लायर के साथ हूं तो मैं उसके पास से क्रेडिट मांगूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मेरे को पैसा रखने दे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। फैक्टरिंग, अगर मैंने कोई चीज बेची और रिसीवेबल्स खड़े हैं मेरे, मैं उसको जाके डिस्काउंट करवा के फैक्टरिंग वाले को कमीशन दे दूंगा और बोलूंगा भाई इमीडिएटली मेरे को तू पैसा दे दे। लीजिंग, कई बार मशीनरी खरीदनी होती है आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आप लीज पे ले सकते हो। सो ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग आर द थ्री मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप मैं आपको समझा चुका हूं वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मॉडल्स ऑफ फाइनेंसिंग अ स्टार्टअप। दूसरा मॉडल है एंजल इन्वेस्टर, ये एकदम सिंपल है, ये आपका कोई वेल विशर होता है दैट इन्वेस्ट इन द
कंपनी कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टर रहता है, जैसे ही आपके पास फंड आता है वो एंजल इन्वेस्टर को रिटर्न कर देते हो पैसा। इंटरनल इन्वेस्टर्स, इसको एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर भी बोलते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू हेल्प द बिजनेस प्रोपेल और एन ऑनगोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी टू सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू इट्स डिफिकल्ट अर्ली स्टेजेस। देखो मुझे पता है कि यार कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी, बट आज मुझे कोई फाइनेंस करने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं किसी मेरे नेटवर्क में से, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब कुछ स्टार्ट किया था तो मैं जहां पे आर्टिकलशिप करता था हमारे जो प्रिंसिपल थे उनके पास गया था, उन्होंने मुझे फंड किया था, कुछ टाइम के लिए फंड रखा मैंने, पैसा मेरे पास आ गया, मैंने उनको फंड रिटर्न कर दिया। ही वॉज एन एंजल इन इज एन एंजल इन्वेस्टर फॉर मी, इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योर नॉट द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं तू क्या बिजनेस कर रहा है, तेरे को 10 लाख रुपए चाहिए ये लेके जा, कितने टाइम में दे देगा तू तेरे हिसाब से बता देना, बस बात खत्म हो गई। इन्वेस्ट कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट्स, दे हैव अ डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी, एक्विजिशन और इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यूजुअली वो लोग एग्जिट स्ट्रेटेजी कब करते हैं, लिक्विडेशन के टाइम पे या आईपीओ के टाइम पे वो अपने आप को एग्जिट ले लेते हैं। जैसे मामा अर्थ में जिसने भी एंजल इन्वेस्टमेंट किया था, अब मामा अर्थ का आईपीओ आया है तो मामा अर्थ में से वो लोग एग्जिट ले रहे हैं। फिर बाद में आते हैं वेंचर कैपिटल फंड, ये दे आर द रियल शार्क्स। तो ये लोग को चाहिए भाई मल्टीपल टाइम रिटर्न, इन्होंने इन्वेस्ट ही इसी कंपनी में इसीलिए किया है सो दैट दे कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। द बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी इन्वेस्टर्स इन पेटीएम एंड जोमेटो एंड नाइका डिड यूज वेंचर कैपिटल फंड्स। तो बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग के मेथड ट्रेड क्रेडिट फैक्टरिंग लीजिंग वो हो गया, फिर एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर के बाद वेंचर कैपिटल फंड। याद रखना एंजल इन्वेस्टर खाली वन टाइम स्टार्टिंग में इंजेक्शन टू स्टार्ट द बिजनेस, सपोर्ट, इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योर नॉट द बिजनेस, इन्वेस्ट कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप इक्विटी कन्वर्टेबल, एग्जिट स्ट्रैटेजी होता है आईपीओ पे बाहर निकल जाओ, लिक्विडेशन पे बाहर निकल जाओ। वेंचर कैपिटल मनी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स, वो इन्वेस्ट करने के साथ साथ मैनेज भी करते हैं, हु मैनेज एंड इन्वेस्ट इन यंग रैपिडली गोइंग कंपनीज दैट हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स। क्या क्या होता है, इन्वेस्ट इन न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, एसेट्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू डेट सर्विसेज, परचेज इक्विटी सिक्योरिटीज। तो ये लोग इक्विटी खरीदते ही खरीदते हैं। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, न्यू एंड रैपिडली गोइंग, तो वो पेटीएम। वो टाइम पे तुम सोचो ना जिसने भी डीमोनेटाइजेशन के जस्ट पहले पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, जैक मा ऑफ अलीबाबा ने इन्वेस्ट किया था, करोड़ों रुपया उसको मिल गया, अर्न कर लिया उसने। जोमेटो में जिसने इन्वेस्ट किया था जब मार्केट में शेयर्स लिस्ट हुए, गॉट अ ह्यूज लेवल ऑफ रिटर्न, परचेज इक्विटी सिक्योरिटी। सो ये वेंचर कैपिटल फंड जो है दे विल परचेज इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ योर कंपनी, एड वैल्यू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। वो आपको सजेशंस भी देते जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रहते हैं ये लोग वेंचर कैपिटल फंड। लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाँ अपन लोग जब इनको इनसे पैसा लेते हैं तो अपन को अपना इक्विटी शेयर करना पड़ता है। हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स के ऊपर इन लोग का फोकस होता है वेंचर कैपिटल फंड का। इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है जिसकी वजह से लोग वो डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखना लॉन्ग टर्म होराइजन, लेस लिक्विडिटी, हाई रिस्क एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन। एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड क्या क्या है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस दे देते हैं, नेटवर्क, इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है तो जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिशियल होता है, तो नेटवर्क यूज होता है ये लोग का। फैसिलिटेट ट्रेड सेल, वेंचर कैपिटलिस्ट्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन आईपीओ। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल यूजुअली पूरा आईपीओ तक रहता है, आईपीओ लॉन्च करके चलवाए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, अब हम किसी और कंपनी को लूटने, आई मीन पैसा कमाने चले। सो वैसा है, वेंचर कैपिटल इज अ बिजनेस पार्टनर, बिजनेस सक्सेस चाहिए उसको, कैपिटल गेन चाहिए, प्रोवाइड्स ऑलवेज प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस टू द कंपनी बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे तुम लोग ने सिकवा सुना होगा, इंडिया में काफी उसने वेंचर कैपिटल फंडिंग किया है। वेंचर कैपिटल में भी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग अगर रिक्वायर्ड है। सो दैट डिपेंड्स। अभी यहाँ पे स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग, इसका मैंने ना 1 मिनट का शॉर्ट बनाया, देख लेना मस्त में समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी सीयर। सीड मनी, लो लेवल फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव अ न्यू आइडिया। तो यहाँ पे आपको सीड मनी किसके लिए चाहिए होता है पता है क्या, आपको सीड मनी चाहिए होता है स्टार्टिंग में जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। कैन आई से एक्सट्रीमली रिस्की प्रोपोजिशन है, रिस्क एक्सट्रीम। लो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव अ न्यू आइडिया। स्टार्टअप अर्ली स्टेज फर्म दैट नीड फंडिंग फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब स्टार्टअप लेवल पे आ रहा है, एक्सपेंसिस एसोसिएटेड किस चीज के हिसाब से, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट राउंड में अर्ली सेल्स मैन्युफैक्चरिंग रिस्क हाई। सो अभी देखो, पहले आप सीड मनी लेते हो एकदम बिगनिंग में अगर आपको चाहिए तो, फिर आप थोड़े स्टार्टअप लेवल पे आते हो,
फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको मेजनीन भी बोलते हैं, एंड देन फाइनली फोर्थ राउंड। सो फर्स्ट राउंड मैन्युफैक्चरिंग फंडिंग के लिए कुछ चाहिए, तो सेकेंड राउंड वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ चाहिए, फिर बाद में आता है अपना थर्ड राउंड मेजनीन फाइनेंसिंग, एंड लास्ट है फोर्थ राउंड कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग। यहाँ पे आप मार्केट में चले जाओगे। सो 6 स्टेजेस याद रखना, सीड, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग सेल्स के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, तो सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद ऑब्वियसली सेकेंड राउंड, ये है आपके वर्किंग कैपिटल के लिए, फिर है मेजनीन फाइनेंसिंग एक्सपांशन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, एंड ब्रिज फाइनेंसिंग आईपीओ लेवल पे जाने के लिए। क्लियर एवरीबॉडी? सो फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में याद रखना वर्किंग कैपिटल है, थर्ड राउंड में याद रखना मेजनीन फाइनेंसिंग है एक्सपांशन, फोर्थ राउंड में याद रखना आईपीओ लेवल पे आ जाएगा चीज। सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ ब्रिज, थर्ड मेजनीन, सेकेंड वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। क्लियर? ओके चल, देन आता है वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सो यहाँ पे पहले डील ओरिजिनेट होता है, तो अभी से फॉर एग्जांपल मैं जोमेटो हूं, तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये मेरा डील है, स्क्रीनिंग होगा, ड्यू डिलीजेंस होगा, ये सब तू नंबर्स बोल रहा है बराबर हो रहा है कि नहीं। अभी शार्क टैंक में भी ये होता है, पहले डील ओरिजिनेशन, फिर स्क्रीनिंग, चेक करते हैं वो लोग भाई जो भी आपने बोला सही है कि नहीं, जो प्रमोटर्स है वो जेन्युइन है कि नहीं। ड्यू डिलीजेंस होता है कंपनी का कि कंपनीज ट्रूली एंगेज इन द एक्टिविटीज दैट दे आर सेइंग, डील स्ट्रक्चरिंग, फाइनली फिर डिसाइड होता है कि हाँ भाई ठीक है 10% इक्विटी फॉर 10 करोड़, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टमेंट के बाद अब और क्या क्या चीजें हैं वो देखना पड़ता है, एग्जिट प्लान प्रिपेयर करते हैं वो लोग। डील ओरिजिनेशन में वो लोग चेक करते हैं भाई क्या है हमारा सेक्टर फोकस, स्टेजेस ऑफ बिजनेस, जब आप मेरे से डील करने के लिए आए हो प्रमोटर कैसे हैं, टर्नओवर का आपका क्या प्लान है, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया, डोमेस्टिक फंड है, ऑफशोर फंड से भी आपको फंडिंग मिल सकता है, डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पुलिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। सो जैसा मैंने बोला कि अभी जैसे कैटम रैक करके है जो इंफोसिस का फंडिंग तो है, डोमेस्टिक फंड है, तो कैटम रैक क्या हो गया, डोमेस्टिक फंडिंग देता है इंडिया में। सेकोआ आउटसाइड इंडिया उसका मेन हेड ऑफिस है, इंडिया में आया है फंडिंग करने के लिए, ऑफशोर फंडिंग उसको बोलते हैं। सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैरीज ड्यूटीज ऑफ एन एसेट मैनेजर, व्हाट इज अ होल स्टार्टअप गवर्नमेंट स्कीम, सो अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इट्स डेट आप गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है वो ले सकते हो, आप या तो प्राइवेट लिमिटेड या LLP होने चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना तुम भाई स्टार्टअप नहीं, तुम बड़े आदमी हो। एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म बाय स्प्लिटिंग, जेन्युइनली आपका बेस से बनाया हुआ कंपनी होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ काम रिलेटेड टू इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कमर्शलाइजेशन, न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस, ये सब चीजों में होना चाहिए। वीसी इन्वेस्टमेंट ये वाला हो गया, सो आई थिंक विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर एज वेल। तो अपना स्टार्टअप फाइनेंस भी हो गया है और इसी के साथ अपना सिक्योरिटाइजेशन तो ऑलरेडी हो ही चुका है। चलो वी विल नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो वैसे ही बस फटाफट करते जाएंगे अपन लोग, एंड एंड विल बी एबल टू कंप्लीट इट। चलते हैं अभी अपन लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, विच इज चैप्टर नंबर 2, उसमें से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं थियोरी वाले। अभी देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिस्क है, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट, आपको खाली याद रखना है ये सब, बाकी सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट नाम आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजिक रिस्क में क्या होता है, रिस्क इन बिजनेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, सबसे बड़ा नोकिया इज एग्जाम्पल, बराबर, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से क्या हुआ वी ऑल नो, न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट, कोडैक वॉज द लीडर ऑफ कैमरास, बट डिजिटल कैमरा आया और कोडैक को उड़ा दिया, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आ गए। नोकिया में स्मार्टफोन आया, टेक्नोलॉजिकल चेंज, उड़ गया। शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड या इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ दिस इज अ स्ट्रेटेजिकल रिस्क दैट अ कंपनी हैज टू फेस। सर आपका सब्जेक्ट SCMP पढ़ाते थे, अब इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रहा है, नहीं ले रहा है, सो वो क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिजनेस, यू कैन से ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क। तो नेक्स्ट है कंप्लायंस रिस्क, एवरी बिजनेस नीड्स टू कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो पेनल्टी, फाइन्स, इंप्रिजनमेंट बनना पड़ेगा यूजुअली। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, उनका है ना कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं कर सकते, वो लोग अगर पल्यूट करते हैं तो वो लोगों को पेनल्टी, फाइन, इंप्रिजनमेंट हो सकता है, कंप्लायंस रिस्क। थर्ड है मेरा ऑपरेशनल रिस्क, फेलियर टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इज योर ऑपरेशनल रिस्क, डेली वाले जो होते हैं वो। फाइनेंशियल रिस्क,
अगर अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन जैसे प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ दिस, सो ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी मतलब मैंने जिसको माल बेचा वो पार्टी उड़ गई, तो गया ना, काउंटर पार्टी उड़ गया। सो रिस्क अकर्स ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी विच कैन बी फेलियर टू डिलीवर द गुड्स फॉर पेमेंट ऑलरेडी डन। तो कई बार आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो, सामने वाले पार्टी ने गुड्स डिलीवर नहीं किया, आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, काउंटर पार्टी रिस्क, वो सब हो गया डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी। पॉलिटिकल रिस्क, ये आजकल काफी जगह पे चालू है ग्लोबली, ठीक है। सो रिस्क फेस बाय ओवरसीज इन्वेस्टर, अभी अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई ओवरसीज चाइना के इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट किया और चाइना और इंडिया का रिलेशन खराब हुआ, तो वो जो चाइना का इन्वेस्टर है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क हो जाएगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैंने से बांग्लादेश में एक प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, अब इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा नहीं है, दे विल कॉन्फिस्केट दैट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज अ रिस्क दैट आई एम फेसिंग। रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, करेंसी रिस्क तो है, एंड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग, सो ये सारे पॉलिटिकल रिस्क में आते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर का रिस्क, कॉन्फिस्केशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोरोइंग्स, एंड देन फिर बाद में आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो अब जितना इंटरेस्ट रेट चेंज होते जाएगा उतना मेरा एसेट लायबिलिटी का मिसमैनेजमेंट होते जाएगा। सो अकर्स ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट लायबिलिटीज, मेजर रिस्क इसमें होता है बैंकिंग कंपनी को, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट वाला सीन है यहाँ पे। करेंसी रिस्क, फॉरेक्स पूरा चैप्टर ही इसी रिस्क के ऊपर बेस्ड है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ, रुपी अप्रिशिएट हुआ, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और रुपी डेप्रिशिएट हुआ पॉजिटिव फॉर मी, अगर मैं इंपोर्टर हूं देन इट कैन बिकम नेगेटिव अदर वे, सो दैट इज योर करेंसी। लिक्विडिटी रिस्क से अगर मेरे पास लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, मेरे पास एक्सपेंसेस ज्यादा है, सेल्स कम है, इट इज अ बिग लिक्विडिटी रिस्क फॉर मी। इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स लायबिलिटीज वेयर दे बिकम अनएबल टू जनरेट कैश प्रिवेलेंट इन बैंकिंग बिजनेस। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, चेक रेशियो ऑफ डेट। सो अभी यहाँ पे देखो, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मतलब आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क है कि नहीं। सबसे पहले आपको चेक करने का कि भाई उसका डेट इक्विटी रेशियो कितना है, बहुत ज्यादा तो डेट नहीं ले लिया है। दूसरा देखो भाई, एक्सेसिव बोरोइंग तो नहीं किया है ना, एंड डाउनग्रेडिंग ऑफ अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं हुआ है। तो से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, SBI ने, फिर बाद में ये पंजाब नेशनल बैंक ने, जब ये नीरव मोदी और विजय माल्या को पैसा दिया, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम चेक करना चाहिए था ये फाइनेंशियल रिस्क। फ्रॉम स्टैंड होल्डर्स स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो पंजाब नेशनल बैंक ने यह चेक करना चाहिए था कितना डेट है, एक्सेसिव बोरोइंग नहीं है, डाउनग्रेडिंग तो नहीं मिला है किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू। वो कंपनी का नाम है क्रिसिल, याद आ गया। ओके, फिर बाद में आता है वैल्यू एट रिस्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो देखो, वैल्यू एट रिस्क का मतलब कितना मैक्सिमम रिस्क बेयर करना पड़ेगा किसी को ऑन अ पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में, शेयर्स में, डेट में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आई एम टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। वो कितना मैक्सिमम डाउन जा सकता है इज कॉल्ड एज वैल्यू एट रिस्क। मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट्स हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माई लूज, वर्स्ट केस सिनारियो एंड लॉस पर डे। समझे, डन। अब आगे देखो, कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन, तो कितने टाइम पीरियड के लिए मैं ये वर्स्ट केस सिनारियो देख रहा हूं, कॉन्फिडेंस लेवल 95 to 99%, ऐसा वो जो अपन लोग डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, उसके 95-99% टेबल के हिसाब से अपन देखते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, कितना लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू होता है, आप लोग ने वार का प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया होगा, आपको पता होगा कितने टाइम होराइजन के लिए अपन लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, जेड स्कोर क्या है, ऑल ऑफ दीज आर फीचर्स ऑफ वार। एप्लीकेशन ऑफ वार क्यों यूज करते हैं, पता चले मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है। बेंचमार्किंग फॉर परफॉर्मेंस मेजर ऑफ एनी ऑपरेशन, फिक्स लिमिट फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ठीक है। सो कोई भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी का, वो वार निकाल लेता है, तो उसको पता चल जाता है भाई मैक्सिमम मैं कितना डाउनफॉल पे आ सकता हूं, उतना वो डीलिंग अपना उस हिसाब से प्लान करता है। एनेबल मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, सो यहां पे अब मेरे को ट्रेडिंग अगर करना है तो देखना, ये जहां पे ट्रेडिंग होता है ना, जॉबिंग करके काम होता है ना, वहां पे ये सब चीजें बहुत यूज होती है। तो जॉबिंग मतलब क्या होता है, मैं किसी और का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं मार्केट में, प्रॉफिट 50-50, लॉस 50-50। तो जब मैं किसी और का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो देयर इज अ रिस्क दैट आई एम टेकिंग फॉर हिम, तो कितना मैक्सिमम रिस्क है, दैट इज व्हाट इज इवैल्यूएटेड इन वार एज वेल, यूजिंग वार एंड एज अ टूल फॉर एसेट लायबिलिटी इन बैंक्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से
बैंक्स में यूज होता है. सो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ वर्क. सो मेजर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, भाई आपको पता चलेगा कि भाई कितना आप नीचे जा सकते हो, बट उतना अगर आपने लॉस नहीं किया तो ठीक है, आपको एक आइडिया आएगा. फिक्स लिमिट फॉर इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट. सो आपको लिमिट फेस करने के लिए कहा जाता है कि भाई इससे नीचे नहीं जाना चाहिए. एनेबल द मैनेजमेंट टू डिसाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसा मैंने बोला था जॉबिंग में, एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इन बैंक्स. फिर बाद में आ जाता है काउंटर पार्टी रिस्क. कब होना, कब आपको काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज. अगर आपको काउंटर पार्टी से जो नेसेसरी रिसोर्सेज है वो नहीं मिल रहे हैं, तो बॉस ये एक रेड फ्लैग है, आप लोगों को काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है. एनी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आया अपने प्रोजेक्ट पे या काउंटर पार्टी पे, बॉस उठ सकता है वो. हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी. समझो मैं जिस काउंटर पार्टी के साथ डील कर रहा हूं, वो आगे जिसके साथ डील कर रहा है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरे काउंटर पार्टी को भी अफेक्ट होगा. टेक्निक, आप कैसे इससे बच सकते हो, ड्यू डिलीजेंस कर लो डीलिंग के इससे पहले. डू नॉट ओवर कमिट टू अ सिंगल एंटिटी और ग्रुप और कमिटेड एंटिटीज. नो योर एक्सपोजर लिमिट्स. भाई समझ लो पहले ही कि भाई किसी भी काउंटर पार्टी से अगर कुछ लॉस हो गया तो मैक्सिमम लॉस आप कितना सहन कर पाओगे. रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल. रैपिड एक्शन इन इवेंट ऑफ एनी लाइकलीहुड ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हुआ तो आप क्या कैसे मैनेज करोगे. यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट. ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हो, देन इन दैट केस इट विल रिजल्ट इन यू बींग सेव्ड फ्रॉम द काउंटर पार्टी रिस्क. सो परफॉर्मेंस गारंटी, रैपिड एक्शन अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो, लिमिट प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल, अपना खुद का एक्सपोजर लिमिट समझ के ही आगे काउंटर पार्टी पे रिलाय करने का, ओवर कमिट नहीं करने का, ड्यू डिलीजेंस कर लेने का, कोई प्रॉब्लम हुआ तो फटाफट से उसको कैसे अपन लोग मैनेज कर सकते हैं. रैपिड एक्शन टू मैनेज डिफॉल्ट्स. पॉलिटिकल रिस्क के लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, अगर हाँ सो यहाँ पे टेक्निक्स, लोकल सोर्सिंग आपको करना चाहिए, बराबर है, बाहर से मत लेकर आओ, रेसिडेंट लेबर को ही रखो. ज्यादा एंटरिंग इन टू ज्वाइंट वेंचर शुड बी विद इन इंडिया. लोकल फाइनेंसिंग करो, इसके लिए देखो मोदी जी ने एक बार बोला था वोकल फॉर लोकल, सो दैट्स व्हाट दे वांटेड. प्रायर नेगोशिएशंस रेडी रहना चाहिए आपका, प्राइस फिक्सेशन आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज काउंटर पार्टी अगर बाहर का है देन इट कैन क्रिएट एन इशू. एक्सपेट्रिएशन होता है फॉरेन एसेट्स बाय द लोकल गवर्नमेंट. सो लोकल गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है फॉरेन एसेट्स को मैनेज करने को, दैट विल डिटरमाइन योर पॉलिटिकल रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर. ये देखा आरबीआई का गवर्नर जो है वो, इसका एक टीम है, वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा, रेपो रेट बढ़ेगा कम होगा, सुना है ना तुम लोग ने. ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. एनी एक्शन बाय गवर्नमेंट सच एज डीमोनेटाइजेशन, उससे अपने लिए एक रिस्क है. इकोनॉमिक ग्रोथ अटक सकता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा अगर आपका ऊपर नीचे हो गया तो. ये जो कंपनीज है ब्राजील, वेनेजुएला, इनका, जिम्बाब्वे, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, वो सब क्यों हुआ, इंटरेस्ट रेट रिस्की तो है वो. रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेटा से आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाउ द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट रिस्क इज देयर ऑन योर बिजनेस. इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट चेंजेस से भी आपको आइडिया आ जाता है. एंड करेंसी रेट, करेंसी रिस्क के लिए आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मैनेज रखो, इन्फ्लेशन रेट मैनेज रखो, परचेसिंग पावर पैरिटी, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, बराबर है, नेचुरल कैलामिटीज आ गया तो इट कैन अफेक्ट योर, वॉर्स की वजह से कई बार करेंसी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से भी करेंसी रिस्क बढ़ जाता है. सो ऑल इन ऑल दीज आर द रिस्क दैट आर देयर. ये वैल्यूएट रिस्क का खाली एक एग्जाम्पल है, यू कैन जस्ट गो टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. सो दिस इज द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. के ऊपर क्वेश्चन आता है तो काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट, करेंसी, सब में अपन लोग ने एक आइडिया ले लिया है. नाउ वी कैन राइट इट ऑन आर ओन. आर वी क्लियर एवरीबॉडी, आर वी क्लियर एवरीबॉडी. और इवैल्यूएशन ऑफ फाइनल रिस्क के लिए पूरा का पूरा अपने को यहाँ पे तीन पॉइंट लिखना है, याद रखने का, नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक, डेट, एक्सेसिव बोरिंग तो नहीं है ना, क्रेडिट रेटिंग बैंक ने डाउनग्रेड तो नहीं किया है ना, वैल्यूएट रिस्क का जो जनरल पॉइंट से ध्यान रखने का, टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल, स्टेटिस्टिकल मेथड, टाइम होराइजन, प्रोबेबिलिटी, रिस्क कंट्रोल, कितना मैक्सिमम लूज कर सकते हो आप, लिमिट्स क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इन बैंक्स कैन ऑल्सो यूज दिस. करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बाकी तो है, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क अपन डिस्कस कर ही चुके हैं. इसी के साथ होता है मेरा ये नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट, एंड दैट बेसिकली इज रिस्क मैनेजमेंट.
नेक्स्ट अपन लेंगे फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी गाइस। सो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम में आता ही आता है। सो एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट है वो है स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। दूसरा वो लोग पूछ लेते हैं कि भाई हाउ टू बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के ऊपर पूछ लेते हैं। तो चलो आप समझने की कोशिश करते हैं सब कुछ। सो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क एग्जैक्टली ये चैप्टर का नाम ही है। सो व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले इन्वेस्टर क्यों अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। फॉर अ सिंपल रीजन, मैक्सिमाइज वेल्थ बाय सिलेक्टिंग ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ फंड्स बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द बेस्ट मैनर। तो देखो भाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमाइज, उसको वेल्थ करना है। कैसे होगा मैक्सिमाइज वेल्थ? व्हेन यू आर गोइंग टू एलोकेट फंड्स एट प्रॉपर ऑल्टरनेट यूजेस, क्लियर रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेसेस सेट होनी चाहिए। जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेसेस सेट होंगे, जैसा अपने धोनी भाई बोलते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द इनपुट, आउटपुट विल ऑटोमेटिकली कम। तो मैनेजमेंट टीम है आपका, प्रोसेस है, शुड बी वेरी वेरी गुड। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंट्रोल सिस्टम्स सब सही होना चाहिए आप लोग का। स्ट्रेटेजी शुड बी रियलिस्टिक एंड यू विल अचीव वेर यू वॉन्ट टू रीच। सो इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। That is only going to be possible by optimum investment in financial opportunities. Strategic allocation of fund करना है between different uses in the best manner. Clear realistic strategy बना के होगा। आपके processes management system clear होने चाहिए, control system सही होने चाहिए। So that is your process of strategic decision making. Linking financial policy and strategic management. सबसे पहले आपका important main क्या है? Value maximization shareholders को, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सॉर्टेड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉरेक्स एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉरेक्स एक्सपोजर की, उसके वजह से आपका कुछ बैलेंस शीट इरोड हो जाए। डिविडेंड एंड बोनस रिलेटेड डिसीजन शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर। तो ये चार पांच डिसीजन मेन होते हैं आपके फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जो लिंक करते हैं। कैसे आप मैक्सिमाइज करो अपने वैल्यू को शेयर होल्डर के लिए? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सही होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आपका अगर कैपिटल स्ट्रक्चर सही नहीं है, देन अगेन इट कैन रिजल्ट इनटू अ ओवर डेट, ओवर इक्विटी, तो प्रॉब्लम है। डिविडेंड बोनस आप कितना देने वाले हो, यू शुड बी वेरी क्लियर। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका अपॉर्चुनिटीज यू शुड हैव। फॉरेक्स एक्सपोजर शुड नॉट बी वेरी वेरी हाई। की डिसीजंस फॉलिंग विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, तो जो भी आपका फाइनेंसिंग का मॉडल है, डेट इक्विटी मिक्स, इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है, डिविडेंड कितना देना है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। सो पोर्टफोलियो, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, जैसा मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट हायरार्की लेवल, सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस या मिड लेवल स्ट्रेटजी एंड लोअर लेवल स्ट्रेटजी इज वॉट वी हैव। तीन हायरार्की क्या है? टॉप लेवल कॉर्पोरेट पे जो होता है, इधर तीन चीजें हैं, SFA, क्या रे बोला, SFA, सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो सुटेबिलिटी क्या है? करेक्ट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टू अकम्प्लिश कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। सो भाई काम सही तरीके से होना चाहिए, सही सिलेक्शन ऑफ बिजनेस जिससे मुझे प्रॉफिट मिले, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी शुड बी अचीव, फीजेबिलिटी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी एंड लास्ट एक्सेप्टेबिलिटी शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन। नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल दोनों होना चाहिए। तो सुटेबिलिटी, फीजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी इज द रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। खुश हो मेरा शेयर होल्डर, रिसोर्सेज सही तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, कंपनी जो काम कर रही है सब लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। मिड लेवल स्ट्रेटेजी क्या बोलता है? प्लान्ड इंडिपेंडेंटली विद प्रॉफिट इंटेंट बाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। यहाँ पे मैनेजर लोग रहते हैं, मैनेजर लोग का काम क्या होता है भाई, कैसे अपन प्रॉफिट लाके दे कंपनी को। एंड लोअर लेवल पे जो एक्चुअली काम करते हैं, सुपरवाइजरी रोल्स एंड रियल वर्क जो लोग करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक R&D, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, थ्रू विच बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजीज कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज्ड। सो ये तीन आपके हो गए हायरार्कीज ऑफ डिफरेंट लेवल स्ट्रेटेजीज एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन चीजें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी परफेक्टली यूटिलाइज, फाइनेंशियल टूल्स जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बराबर बनने चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स शुड बी इन लाइन विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। आउटकम, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? यू विल बी एबल टू अचीव योर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट मिशन एंड विजन। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए एंड इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल मेजर्स जिससे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हो अपने आप का विल आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड। सो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी आया तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल गोल्स, ये तीन चीज सही तरीके से की तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजन मेकिंग एंड मेजर्स विल बी अप्रोप्रिएट।
एंड द लास्ट पार्ट इज ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो भाई, एंड ऑफ द डे हर कंपनी क्यों काम करती है, इसी चीज के लिए, दैट इज ग्रोथ। तो कैसे आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके, बहुत ज्यादा बोलते ना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करके ग्रो कर सकते हो खुद के ही बेसिस पे, खुद के ही सेल्स एंड प्रॉफिट के बेसिस पे, इज योर रियल ग्रोथ। सो एसजीआर इज मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट अ कंपनी कैन सस्टेन विदाउट, ये सुनो, विदाउट हैविंग टू फाइनेंस ग्रोथ विद एडिशनल डेट और इक्विटी, खुद के बलबूते पे। तो पहले आप इनिशियली थोड़ा इक्विटी और डेट ले लो, परवाह नहीं, चलेगा, बट उसके बाद में खुद का प्रॉफिट, खुद का सेल से आप ग्रो करो, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, यूजिंग इंटरनल रेवेन्यू विदाउट बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी कैसे बनती है, प्लानिंग ऑफ हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस सही होना चाहिए, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का प्लान होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो अपना बात हुआ ही है, डिविडेंड एंड बोनस डिसीजंस आपके सही होने चाहिए, सेल्स बढ़ेगा तभी ये सब हो पाएगा। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। नाउ अगेन, मेन एम, मेंटेन टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट अलाउज, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल। एक से ज्यादा, ये तो हर इंसान के लिए, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम रखो, मोर देन वे वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, पब्लिक इमेज शुड बी गुड, गुड कॉर्पोरेट इमेज, गुड पब्लिक इमेज, इंसान अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो, जैसे टाटाज है, बी क्लियर अबाउट वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जैसे इंफोसिस है, कॉम्पिटेंट स्टाफ आपके पास रहना चाहिए, जैसे मैं ना जेपी मॉर्गन में था, तो देयर पीपल यूज टू वर्क फॉर 25-30 ईयर्स ऑन अ स्ट्रेच, क्यों, क्योंकि जेपी मॉर्गन का इतना अच्छा पॉलिसी था, दे रिटेन द कॉम्पिटेंट स्टाफ, पब्लिक इमेज बहुत अच्छा है, टाटाज क्लियर वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंफोसिस, मोर वेज ऑफ जनरेटिंग इनकम, एंड दैट इज हाउ यू बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब भाई किसी के और के हेल्प के बिना मैं कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकता हूं। व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्लियर सेम स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, you should know what is the environment that you are working in, manage and retain competent staff, administrative financial infrastructure अच्छा होना चाहिए, communities के लिए कुछ काम करो, involvement in work, public image, strategic decision, all of this end of the day will make your organization sustainable। इसी के साथ होता है ये वाला chapter भी complete, and अब अपन लोग आ रहे हैं अपने last typical theory chapter के ऊपर, which is of security analysis। तो ये जो अभी मैंने 5 chapter करवाए, they are core theory chapters, जिसमें से usually 15 टू 20 मार्क्स का गारंटीड पेपर आता ही आता है, एंड इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब ये है ऑलमोस्ट एज आई सेड द लास्ट चैप्टर ऑफ कोर चैप्टर्स, फिर नॉन कोर चैप्टर्स का अलग से देख लेंगे। सो टेक्निकल एनालिसिस, आज की तारीख में एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन इमोशंस, इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कि भाई अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ह्यूमन बिहेवियर कैसे रिएक्ट करेगा, एवरीबॉडी विल स्टार्ट सेलिंग, तो और नीचे जाएगा, ऊपर जा रहा है तो क्या रिएक्ट करेगा, सब लोग और लेना चालू करेंगे, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। सो इसके लिए देयर इज अ बेल बुल फेज एंड देयर इज अ बेयर फेज, बिकॉज उनका मानना है जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं कि everything is based on human psychology and human behavior, and that is how technical analysis is based on. It's a method of share price movement based on a study of price graphs or charts on the assumption that share price are repetitive. मतलब अगर नीचे गिरा तो ह्यूमन बिहेवियर बोलेगा और नीचे गिरेगा, तो दैट इज वेयर दे से दैट दे आर रिपीटेटिव। इन्वेस्टर साइकोलॉजी फॉलोज अ सर्टेन, देखो इन्वेस्टर साइकोलॉजी फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, एंड दैट इज सीन टू हैव हैपेंड बिफोर, is likely to be repeated. Principles, तीन principles से ध्यान में रखना है, market discounts everything, price move in trends, bull में है तो bull phase ही रहेगा, bear में है तो bear phase ही रहेगा, history repeats itself, ठीक है? So, और market को सब चीजें पता है कि क्या किधर movement होने वाला है, based on human psychology, everything is designed. अब थियोरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में पहला है डाउ, चार्ल्स डाउ ने ये बनाया था। अब इसमें ना तीन चीजें ध्यान में रखनी है, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट, डेली फ्लक्चुएशंस। प्राइमरी मूवमेंट बताता है आपको कि वन ईयर से लेकर 36 मंथ्स का है ना ओवरऑल मूवमेंट, देखो इससे आपको पता चलेगा कि भाई लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का ओवरऑल कैसा है, एंड इससे आपको पता चलेगा कि भाई बेयर मूवमेंट है मतलब डाउन जा रहा है या बुल मूवमेंट है। फिर होता है सेकेंडरी मूवमेंट, ये प्राइमरी मूवमेंट से शॉर्टर है, लास्ट बिटवीन 2 वीक्स
टू अ मंथ एंड डेली फ्लक्चुएशन नैरो मूवमेंट फ्रॉम डे टू डे। तो ये तीन चीज आपको डाउ थियरी में याद रखनी है। एक चार्ल्स डाउ हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक मार्केट लिख के आना है, फिर वो आपने लिख के आना है प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट एंड डेली फ्लक्चुएशन। प्राइमरी मूवमेंट ऑब्वियसली लेस देन वन ईयर टू 36 मंथ, सेकेंडरी मूवमेंट 2 वीक्स टू वन ईयर, एंड लास्ट इज डेली फ्लक्चुएशन नैरो मूवमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। फिर बाद में आ जाता है मेरा एलियट वेव थियोरी जो 1934 में आया था। ही डिफाइंड प्राइस मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेव्स। तो इनका जो आप इनका स्ट्रैटेजी है इसमें दो पैटर्न है, एक इंपल्सिव पैटर्न, एक है करेक्टिव पैटर्न। इंपल्सिव पैटर्न बोलता है कि भाई अगर तीन वेव से एक वेव बड़ा ऊपर जा रहा है, दूसरा वेव बना ऊपर जा रहा है, तीसरा वेव बना ऊपर जा रहा है, बॉस बुल पैटर्न है, नीचे 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 बॉस बेयर पैटर्न है। इससे ये लोग पैटर्न डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। फिर करेक्टिव पैटर्न, दो वेव सीधा बना बट फिर बाद में एक नेगेटिव उल्टा वेव आ गया, मतलब अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज इंपल्सिव पैटर्न एंड करेक्टिव पैटर्न। इंपल्सिव पैटर्न गो विद द फ्लो, देयर विल बी 3 to 5 वेव्स इन अ गिवन डायरेक्शन, दीज वेव्स शैल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बेसिक मूवमेंट, कैन इंडिकेट बुल और बेयर फेस। ये रिएक्शन वेव्स है ये। सो दीज वेव्स आर अगेंस्ट द बेसिक डायरेक्शन ऑफ द बेसिक, मतलब दो ऊपर गया अब एक नीचे चले जाएगा। करेक्ट इन्वॉल्व्स करेक्टिंग द अर्लियर राइज इन केस ऑफ बुल और फॉल इन केस ऑफ बेयर मार्केट। समझ गए? तो इसमें जैसे डाउ में तीन लिखना था, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट, डेली फ्लक्चुएशंस। प्राइमरी मूवमेंट 1 ईयर टू 36 मंथ्स, सेकेंडरी मूवमेंट शॉर्टर देन प्राइमरी मूवमेंट एंड 2 वीक्स टू अ मंथ का टाइम है एंड डेली फ्लक्चुएशंस। यहाँ पे वैसे ही देयर इज एलियट वेव थियोरी जो बोलता है इंपल्सिव पैटर्न एंड करेक्टिव पैटर्न। इंपल्सिव पैटर्न क्या बोलता है कि भाई 3 से 5 वेव बना बुल बेयर सेट कर दो। करेक्टिव पैटर्न दो वेव बना उसके ऑपोजिट में कुछ आ गया, देन इट इज अ रिएक्शन वेव। देन देयर इज अ थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड एज रैंडम वॉक थियोरी जो बोलता है कि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, ना वो फंडामेंटल्स के हिसाब से चलता है ना वो टेक्निकल के बेसिस चलता है। प्राइस ऑफ शेयर इन मार्केट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। रीजन इज दैट प्राइस ट्रेंड्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स बट दैट दे रिप्रेजेंट अ स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट डेटा। तो उनके हिसाब से कोई टेक्निकल वेक्निकल इतना कुछ काम नहीं आता। देयर मे बी पीरियोडिकल अप्स एंड डाउन्स बट नो कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स और लोस। तो ऐसा नहीं कि दो बार ऊपर गया तो चल अभी बुल फेज हो गया, दो बार नीचे गया तो बेयर फेज हो गया, नॉट डिपेंडेंट एट ऑल। फिर आता है एफिशिएंट मार्केट थियरी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको। ये लोग बोलते हैं कि भाई सबके पास इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, सो इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली एंड इंस्टेंटियसली अवेलेबल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कीन कॉम्पिटिशन अमंग्स द मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल रिफ्लेक्ट द इंट्रिंसिक वैल्यूज। इनका मानना है कि कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे एफिशिएंट मार्केट थ्योरी बोलता है कि वो अपने रियल प्राइस पे पहुंच ही जाएगा। रियल प्राइस में मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहुंच ही जाएगा। प्राइसेस चेंज ओनली रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज अनरिलेटेड टू प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर अनप्रिडिक्टेबल। समझ में आ गया एवरीबॉडी? सो यहां पे प्राइसेस कितना भी मूव करे इवेंचुअली वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ ही जाएगा। इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल है सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, एंड प्राइस चेंजेस इज अनरिलेटेड टू प्रीवियस इंफॉर्मेशन देयरफॉर अनप्रिडिक्टेबल। सो यार प्रिडिक्शन नहीं करने का। मिसकंसेप्शन क्या है कि इन्वेस्टर कैन नॉट अर्न कंसिस्टेंट लॉन्ग रिटर्न, तो अपना इसको वॉरेन बुफे और राकेश झुनझुनवाला को मिलवाओ। प्राइसेस कैन नॉट रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू एज फ्यूचर इज अनसर्टेन, नो दैट विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड, इंट्रिंसिक वैल्यू विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड। इनएबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स टू अचीव सुपीरियर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इंप्लाइज दैट दे लैक कॉम्पिटेंस इन एफिशियंट मार्केट। सो उनका मानना है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है दे मे नॉट बी एबल टू अचीव द रियल रिटर्न एज रिक्वायर्ड, एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स इज रैंडम, मतलब हर चीज इरेशनली होती है। तो ऐसा नहीं है, लोग सोच समझ के भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके जो मिसकंसेप्शन एफिशियंट मार्केट थियरी के That is wrong. It is therefore इसीलिए उसको misconception बोला गया। क्या? Investors cannot earn consistent long return. Warren Buffett है हमारा भाई और दूसरा है हमारा राकेश झुनझुनवाला। Prices cannot reflect value as future is uncertain. So obviously that's true. के मतलब the point is के भाई end of the day prices will reflect the intrinsic value. Inability of investors to achieve superior investment, random movement of stock market. So, stock market is irrational. तो ऐसा नहीं है, stock market is always rational. Levels of market efficiency बहुत important, theory के लिए exam में आ सकते हैं, ध्यान रखना। Weak form efficiency, semi strong and strong form of efficiency. Weak strong form of efficiency क्या बोलता है? Reflects all information of based on past prices and volumes.
सेमी स्ट्रॉन्ग क्या बोलता है कि भाई पुराना तो है ही, बट ऑल्सो अदर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये पूरा पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स के ऊपर। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है ना, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, दे हैव वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि वो उनका स्टॉक मार्केट पास्ट प्राइसेस के ऊपर ही पूरा का पूरा डेटा दिखाता है। सेकेंड, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग मतलब इंडिया जैसा डेवलप्ड जो पास्ट के हिसाब से पब्लिक भी दिखाता है, और डेवलप्ड इकोनॉमीज होता है जैसे अमेरिका, जे जो बोलता है कि भाई ऑल इंफॉर्मेशन, पब्लिक हो प्राइवेट हो, सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है। सो वीक फॉर्म, अंडर डेवलप्ड, खाली पास डेटा अवेलेबल। सेमी स्ट्रॉन्ग, डेवलपिंग, पास डेटा प्लस पब्लिक डेटा अवेलेबल। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सब डेटा, पब्लिक प्राइवेट सब डेटा अवेलेबल। समझ में आ गया? नेक्स्ट, चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट। इंफॉर्मेशन कभी कभी इनएडिक्वेट होता है एट टाइम्स, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर बिहेवियर्स इरेशनल, मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस और लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। एंड फिर हमने डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल। फंडामेंटल तो जीडीपी, एमटीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, माइक्रो फैक्टर सब देख के डिसीजन लेता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। टेक्निकल एनालिसिस प्योरली हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, प्राइस मूवमेंट्स, बोलते हैं ना कस्टमर बिहेवियर, इन्वेस्टर बिहेवियर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। चार्टिंग टेक्निक्स, यहाँ पे खाली मैंने हेडिंग्स लिया है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्रेटिंग प्राइस पैटर्न, इसमें से तीन चार अगर कुछ लिखना हो तो आप लोग ये देखकर लिख सकते हो। एक होता है अपवर्ड चैनल, फिर वेज हेड एंड शोल्डर्स जो आपको बेरिश पैटर्न बताता है, ये ऐसा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न होता है। फिर बाद में होता है ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डाउनवर्ड चैनल, नाम खाली याद रख लो, फ्लैग एंड पेनेंट फॉर्म, डबल टॉप, बेरिश गैप, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इज कॉल्ड एज गैप अप गैप डाउन। सो ये से फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड चैनल है मतलब प्राइस राइज हो रहा है, गैप अप है मतलब प्राइस राइज हो रहा है, गैप डाउन है प्राइस गिर रहा है। से हेड एंड शोल्डर्स है बेरिश है, इनवर्स ऑफ हेड एंड शोल्डर्स है बेरिश है, सॉरी बुलिश है। ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ, अनसर्टेन है मार्केट, डाउनवर्ड चैनल हुआ मतलब फाइनल फॉलिंग प्राइसेस है। सो ऐसे करके इंटरप्रिटेशन हो सकता है अलग अलग प्राइस पैटर्न का। तो आपको खाली मेन 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 जो है वो यहाँ पे याद रखना है, हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, एक बेरिश एक बुलिश, अपवर्ड चैनल, डाउनवर्ड चैनल, ट्राइंगल कॉइल फॉर्मेशन में अनसर्टेनिटी, फ्लैग्स एंड पेनेंट फॉर्म एंड डबल टॉप बेरिश फॉर्म। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? चलो डन। फिर मार्केट इंडिकेटर्स क्या क्या है? ब्रेथ इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, आरएसआई जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑड लॉट थ्योरी। खाली मेन मेन पॉइंट याद रख लो बहुत है। एंड देन देयर इज इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस आप किसके ऊपर करते हो? क्या इंडिया का ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन कितना है, मानसून कैसा आया, नेशनल इनकम का क्या ग्रोथ रेट है, एंटीसिपेटरी सर्वेस। फिर बाद में बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच, जैसे लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर। सो ये सारे इंडिकेटर के बेसिस पे आप टेक्निक यूज कर सकते हो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। एंड फैक्टर्स इकोनॉमिक एनालिसिस के क्या क्या है? इन्फ्लेशन, मानसून, नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। वैसा इंडस्ट्री एनालिसिस अगर आपको देखना है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा है आपकी इंडस्ट्री का, कितना टाइम लगता है इंट्रोडक्शन से ग्रोथ, ग्रोथ से मेच्योरिटी फेज पे, डिमांड सप्लाई गैप कितना है, क्या देर आर बैरियर्स टू एंट्री के इजीली कोई भी एंटर कर सकता है, गवर्नमेंट कितना ओपन है आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट काफी ओपन है, कॉम्पिटिशन कितना है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के ऊपर कितना खर्चा होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज कंपनी एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स। सो यहाँ पे क्या आपकी कंपनी का नेटवर्थ है? सो सी, अगर मेरे को किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या क्या चीजें देखूंगा? कंपनी का नेटवर्थ, साइज, रैंकिंग, कॉम्पिटेटिव सोर्सेज, ग्रोथ कैसा है उसका, फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग, लोकेशन एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन कितना है, ये सारे चीजों को ध्यान में रख के मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी क्या नहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कितने कॉम्पिटिटर्स है, बैरियर्स टू एंट्री कैसा है, गवर्नमेंट एटीट्यूड कैसा है, टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इकोनॉमिक एनालिसिस अगर किसी कंपनी का करना है तो आप देखोगे कि भाई इन्फ्लेशन के साथ आपका कनेक्शन क्या है, मानसून के साथ कैसा कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका ग्रोथ ओवरऑल कैसा है, ऑल ऑफ दिस विल डिटरमाइन द ओवरऑल, सॉरी ऑल ऑफ दिस विल डिटरमाइन योर ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस।
इसी के साथ जैसा आपको प्रॉमिस किया था, 1 घंटे में पूरा का पूरा थ्योरी सेशन डन एंड डस्टेड। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको नॉन कोर चैप्टर्स के लिए भी ऐसे ही 1 घंटे का एनालिसिस चाहिए, आई विल गेट इट फॉर यू इमीडिएटली। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर कमेंट कीजिएगा, एंड डेफिनेटली अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, कीप डूइंग वेल।